अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज है 10वीं का पहला पेपर। माशाल्लाह आज अशरफ जा रहा है 10वीं का पहला पेपर देने के लिए। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30। हम लोग उठे हैं, मैं उठ गई हूँ 7 बजे से। उसके लिए चाय बना ली, नाश्ता वगैरह तो लेके आई, नहाया धोया बच्चा मेरा। ऐसा आज जुम्मा भी है, जुम्मा के दिन पहला पेपर। जुम्मा है आज, जुम्मा के दिन पहला पेपर है और कुर्ता पैजामा पहना है ना। पेपर अच्छे से लिखना, जैसा सब बताए वैसा ही करना। भाई ने बताया, अंकल ने बताया, वैसा सेम टू सेम वैसे बरोबर से करना। कुछ भी गड़बड़ मत करना, इधर उधर मुंडी घुमा के देखना नहीं, कोई शरारत नहीं, कोई मस्ती नहीं। और ये वो चुलबुला ही है, जरा चुलबुल बहुत है इसके अंदर, चुपचाप किधर बैठता नहीं है, है ना। फिर समझाते तो गाड़ी पे प्ले स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा है आसिफ, आसिफ छोड़ने जा रहा है उसको। और रास्ते में जाते जाते समझाते लेते जाते लेके जाते, डरना मत, सुसु आइए आपको आइए कर ले। नहीं आई ना कुछ भी, यही के लिए पॉप पॉप करके आया। पानी की प्यास लगेगी तो उधर से पानी मांग लेना, एक बाटली 10 रुपए की। पेन भी अच्छे से बिस्मिल्लाह बोल के पहला पेपर पे लिखने का चालू करना, अल्लाह का नाम लेके पेपर लिखना चालू करना, है ना। अल्लाह ताला कामयाब करेगा, आमीन। अच्छे से होएगा। तो चलिए गाइस, अभी जैसे कि आज है फर्स्ट पेपर, अल्लाह करे सहारे हर बच्चों का पेपर अच्छा जाए। हर माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीद रहती है, बहुत सारी उम्मीद रहती है। अल्लाह करे अच्छा पेपर जाए सारे 10वीं वालों का, 12वीं वालों का, लास्ट ईयर 15वीं आसिफ की है, उनका भी पेपर चालू होगा तो उनका भी अच्छा जाए, सारे बच्चे पास हो जाए, बस यही दुआ है मेरी, है ना। आमीन आमीन। चलो अभी बस देखते हैं पेपर दे के आने के बाद में क्या इसका रिस्पॉन्स रहता है, क्या बोलता है, सब बराबर लिखा नहीं लिखा सब बताएगा, नहीं सही अच्छा ही लिखेगा, है ना। अपने दिलो जान पूरी लगा देना बेटा। पेन पेंसिल सब लगा ना, तो कंपल इंपल्स अच्छे से लिखू, सिखा देना, डरने का क्या, जिसको आता है वो इंसान नहीं डरता है। चलो बाय के सर, बाय से, बाय से मिल ला बाय। चाबी लिए नहीं ले रहा हूँ, चाबी लेंगे। चल 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 कितने सारे पेरेंट्स, कितने सारे बच्चे 10वीं में है, आप सब लोग दुआ करना कि लोग सब अच्छे नंबरों से पास हो जाए। अभी अशरफ भाई चले गए अंदर, हाथ दिखा रहे भाई, अशरफ भाई गेट में चले गए। आप लोग दुआ करना अशरफ चले कि अच्छे बच्चे से पास हो जाए। आज जुम्मा भी है तो वीडियो तो कल अपलोड होएगा। चला गया, उसके बाद में फिर मैं थोड़ा टाइम सो गई, क्योंकि ना मेरे को कैसा हो रहा था ना, नींद पूरी तरह से नहीं लग रही थी। बार बार ना एक एक घंटे में मेरी आँख खुल रही थी, क्यों, क्योंकि फिकिर थी ना मुझे, अगर कभी मुझे नींद लग गई, एकदम गहरी नींद लग गई तो कभी लेट हो गया मेरे बच्चे को, तो इसके लिए मैं कितनी बार उठी, एक बार 4 बजे उठी, फिर एक बार 5 बजे उठी, फिर 6 बजे उठी, इसके बाद में फाइनली 7 बजे उठी गई। 7 बजे उठने के बाद में अशरफ को उठाई, उसको बोली मुंह भी धो ले, पानी भी नहीं दी पीने के लिए, तो उसको पढ़ाई करने के लिए बिठाई मैं, बोली 7 बजे से थोड़ा 1 घंटा तो पढ़। आज 8:30 बजे तक वो याद किया, उसके बाद में उसको नाश्ता दी मैंने करने के लिए, नाश्ता किया मेरा बच्चा, नहीं नहाने गया, नहा के आया, फिर उसके बाद में उसके लिए चाय दी, चाय पाओ, फिर वो खाया वो,
उसके बाद में फिर उसको आसिफ लेके जाके छोड़ के आया है ना। तो बस अभी फिर अभी मैं लेट उठी थोड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। बर्तन बर्तन धोके हो गया, अभी मैं लगाने जा रही हूँ। आज शूट करना था मगर आज शूट नहीं होगा शायद, क्योंकि हमारे तो पानी नहीं आया, 3 बजे अभी तक पानी नहीं आया। देखो जैसी मैं हूँ वैसी मैं आप लोगों को बताती हूँ, कोई हमारा वीडियो में कोई ये नहीं रहता ना ऐसी सपने, है ना, ओवर एक्टिंग नहीं, जो रियल है वही बताते आता रहेगा। अभी 2 बज रहे ना, आता रहेगा, 2 बजे छुट्टी ना, चल के आएगा। हाँ, चल के आएगा, आता लंबा है क्या ज्यादा? हाँ लंबा है, पैसा दे के आएगा तो उसको गाड़ी क्या मालूम, देखते भी कैसा आता है। ठीक है, के बाद मिला माशाल्लाह, यहाँ पे अशरफ भाई आ चुके हैं। अभी मैं बोल ही रही थी भाई को कभी तक आया नहीं मेरा बेटा, कैसा गया अच्छा गया, कैसा गया पेपर, सब लिखा ना, बराबर लिखा ना, कैसा लिखा, अच्छा लिखा, कुछ छूटा है तो जैसा बताया वैसा किया, लेटर राइटिंग लास्ट में खाली कथा लेकर लिख रहा था ना तो बेल बज गई तो छीन ली पेपर उसने, तो फिर मैं बुला स्ट्रिक्ट था बहुत, नहीं कुछ भी नहीं था, एक ही टीचर थे, कोई स्ट्रिक्ट छीन के ली, बेल बज गया ना, पहला पेपर था ना अभी थोड़ा फास्ट लिखने की आदत डालने का, ठीक है, हिंदी मराठी थोड़ा जमता नहीं है ना, ढूंढना पड़ता है, ढूंढ ढूंढ के लिखना पड़ता है ना, तो फिर लास्ट में ग्रामर का टेंशन नहीं ना, नहीं नहीं टेंशन नहीं, बाकी जो जो भरने के लिए बोले सब उन लोगों की करके दी, पैसेज किया लिखा बराबर, ग्रामर, लेटर राइटिंग, जाहिरात लेखन सब लिखा, सब कुछ छूटा थोड़ा बहुत, छूटा जैसे छूटता है थोड़ा बहुत, हां लास्ट का थोड़ा वो छूट जाता है, ग्रामर छूटता है बड़े, मेरी तबियत खराब हो रही थी, तू अच्छा नंबर ले, अच्छा नंबर ले, अच्छा पास हो गए, मेरा नाम रोशन करना दोनों भी, तेरा बाप का नाम रोशन करना, तेरे बाप के खानदान से कोई इतना ग्रेजुएट नहीं किया, तुम लोग दोनों जन कर रहे ले, पढ़ रहे ले बस, अरे रो रहे क्यों है, हो गया पास, हो गया, लिख दिया पूरा पेपर, लिखा ना पूरा अच्छे से, बस अच्छे से करना, अभी जा फ्रेश हो जा, भूख लग रही है, भूख लग रही, खाने को जा जल्दी मुंह धो ले, तो चलिए गाइस यहाँ पर मेरा खाना पकड़ा है, काफी लेट हो चुका, ऊपर पकड़ा मैंने, चला दी एक तरफ मेथी की भाजी चला दी, चावल बनकर हो चुका है, अभी यहाँ पर डाल रही हूँ मैं जवारी की रोटी, आज काफी दिनों बाद दिल हुआ जवारी की रोटी खाने की, मेथी की भाजी तो अम्मी के फेवरेट है, हाँ गाउटी खाने बोले तो मेरी जान, गाउटी खाने तो कौन चिल्ला रहा है, लो भगा पहले भाग, बच्चे कितना आवाज करते हैं हमारे चाली के पास में, हाँ तो मैं ये कहना आज मतलब ये कहना चाहती हूँ, मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ मैं, मगर क्या करूँ मुझे बोलना पड़ता है, जैसे कि वो जो मड्डो के राज के जो ब्लॉग ये डाले ना फुलवली में का ब्लॉग, तो खाला ने फोन किए थे मेरे को, अच्छा तो खाला मेरे को बोल रहे थे वली में के ब्लॉग का तूने कमेंट पढ़ी क्या, तो नहीं पढ़ी मैं, बोली नहीं हम लोग नहीं पढ़े, आप लोग क्या कमेंट पढ़ते ही का है, नहीं अच्छे कमेंट ही पढ़ते, अच्छे कमेंट ही पढ़ते, अब मेरे को तो पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, आसिफ ही पढ़ता है, मगर जो अच्छी अच्छी कमेंट देगी वही आसिफ पढ़ के बताता है, हाँ। और जो गलत कमेंट ये तो पढ़ता ही नहीं है, वो ध्यान ही नहीं देता है, हाँ। और चाहे इंस्टाग्राम की ओन दो, रेसिपी की ओन दो, चाहे ब्लॉग की ओन दे दो, कोई भी होने दो, हाँ। है ना, तो उसमें मतलब बोल रहे राज के वली में के ब्लॉग में किसी ने कमेंट डाली है कि बहन बहन में झगड़ा हो गया है क्या, तुम स्टेज पे चले तो अपनी बहन से नहीं मिले, हाँ। तो कभी नहीं, आज तक का जिंदगी में कभी भी हम लोग बहन लोग का कभी झगड़ा नहीं हुआ, हाँ हम बचपन में जब छोटे रहेंगे 10 साल के या 11 साल के या 7-8 साल के, तो ये बचपन में हमारी लड़ाई हुई रहेगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह हम लोग तीनों बहन लोग हैं, रिहाना आपा, शमाना आपा और मैं, हम लोग तीनों में कभी आज तक का झगड़ा नहीं हुआ,
जब भी मैं स्टेज पे चली, जब मैं वीडियो बना रही थी और मेरी बहन वहाँ पर बैठी थी, क्योंकि उसको थोड़ा अस्थमा की तकलीफ है, उसको अस्थमा की तकलीफ है, उसको पंप लगता है, तो वो पंप लाने के लिए उन लोग गए थे, तो वो हवे में पंखे के पास में बैठी थी और मैं उसको पहले मिल चुकी थी, मिली, गले मिली, फोटो उतारी, सब उतारी, मगर फिर मैं चली गई अपना उधर पर। उससे मैं बात भी करी हूँ, करती भी हूँ, हमेशा कभी हम लोग झगड़ा नहीं होता है। और ये बात बहुत लोग कमेंट में ये बोल रहे हैं कि मुस्कान नहीं दिख रही है, मुस्कान की अम्मी नहीं दिख रहे, उन लोग नहीं आए, तो मुस्कान की अम्मी की तबीयत खराब है और वो है दवाखाने में एडमिट, और मुस्कान का भी 5वां महीना चालू है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको अच्छे से उसकी डिलीवरी हो जाए और वो अपनी अम्मी के साथ में, वो भी दवाखाने में ही है, तो इसीलिए उन लोग नहीं आ पाए, है ना। और शबाना हम लोगों के बीच में, हम दोनों के बीच में हमारी वो वाली भेद नहीं थी, करके भी हम लोग थोड़ा नाराज थे, मतलब उदासी पर लग रही थी, सब लोग होते हुए भी हम लोग को ऐसा लग रहा था खाली खाली, क्योंकि हम लोग तीनों हमेशा साथ में ही रहते हैं। इसीलिए इस तरह की कमेंट करो मत, गलत फैमिली रखो मत। हम लोग कभी आपस में लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं, कभी नहीं, हम लोग हमेशा साथ में रहते और अल्लाह ताला हमें हमेशा इसी तरह से साथ में रखे। और दूसरी बात, भाई के साथ में क्या हो गई, भाई के साथ में बोलते तुम्हारा बातचीत चालू होगी तो बहन के साथ बंद हो गई क्या? मेरे भाई के साथ मेरी बात बंद ही कभी हुई थी? मेरे को ही नहीं पता। हम लोग भाई बहन भी हम लोग आपस में लड़ते नहीं है। हाँ कभी कभी हो जाता है भाई बहन में, कभी तू मैं ऐसा कुछ हो जाती कोई बात को लेके, मगर हम लोग वो सब बात को ना मेरे भाई लोग दिल में रखते हैं ना हम लोग दिल में रखते हैं। वक्त कभी मेरा बुरा आता है तो मैं उनके लिए खड़ी हो जाती हूँ उनका वक्त, और कभी मेरा वक्त बुरा आता है तो उन लोग ही खड़े होते हैं मेरे लिए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई दोनों भी बहुत ही अच्छे हैं। कभी भी मेरे बुरे वक्त पे अगर किसी ने मेरा साथ दिया है तो मेरी अम्मी और मेरे दोनों भाई लोग, और मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किए तो मेरी दोनों बहन लोग, है ना। और दूसरी बात, मेरी भावज, माशाल्लाह मेरी भावज ये बहुत अच्छी है। आज उसको इतने साल हो गए शादी हो के आके, मगर कभी उसने हमारे साथ में, ननन लोग के साथ में कभी उल्टी बात नहीं की, कभी गलत नहीं बोली। हाँ औरत मर्द है, उन लोगों का कुछ हुआ भी रहेगा तो हम कभी बीच में बोले भी तो भी उन लोगों ने कभी हमको पलटा के आज तक का जवाब नहीं दिए। माशाल्लाह मेरी भावज भी बहुत ही अच्छी है। कभी हम होता है ना ननन भावज का मुंह फुकाई, ऐसा मुंह फुक गया, ये फुक गया, कभी हमारी अंजुम हमारे साथ में ऐसा कभी नहीं करी, ना ही हम लोगों ने कभी हमारी अंजुम के साथ में किया, यानी मेरी भावज के साथ में। वो भी हमें बहुत इज्जत देती है, उतना ही प्यार करती है। हाँ। तो इसीलिए ये सब गलत फहमी, आप लोग हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है ये बात आप लोगों को नहीं पता, इसीलिए बीच में उंगली करना मत करो। रह बात है ना सिर्फ तो चलिए गाइस आ जाओ आप लोग भी खाना खाने के लिए। अभी हम लोग बैठे खाना, अभी हम लोग अभी होई की मगरिब की अजान और हम लोग खा रहे हैं अभी खाना। भैया मैंने बनाए थे खीमा और घर में मेथी की भाजी और जवारी की रोटी, ये देखिए चावल। तो आज रेसिपी करते बहुत लेट हो गया, 7 बजने आया था दोपहर का खाना, 7 बजे। मैं टाइम बताता हूँ, वो देखो कितने बज रहे हैं, 7:15 हो रहे हैं, 7:15 हम लोग दोपहर का खाना खा रहे हैं। क्या रेसिपी शूट किया तो लेट हो गया, अशरफ का भी पेपर था फिर थोड़ा लेट हो गया आज हम लोग को। सुबह नाश्ता भी हाँ, अम्मी बोल रहे हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ्तारी कर रहे हैं, रोज़ा खोलने का टाइम हो गया, तो इंशाल्लाह रमज़ान भी बहुत नज़दीक है ना, अभी से हम लोग ट्राई मार रहे हैं। हाँ